मुरादाबाद नगर 28 विधानसभा से कांग्रेस के प्रत्याशी हाजी रिजवान कुरैशी ने सोमवार को अपने चुनाव कार्यालय का शुभारंभ किया और मीडिया से रूबरू होते हुए अपनी चुनावी प्राथमिकता को बताया। आपको बता दें कि यूपी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने अपने 125 प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जारी की थी, जिसमें मुरादाबाद नगर से हाजी रिजवान को कांग्रेस का प्रत्याशी घोषित किया था। उसके बाद से ही हाजी रिजवान क्षेत्र में सक्रिय दिखाई देने लगे। आज उन्होंने अपने चुनाव कार्यालय का शुभारम्भ किया और मीडिया से रूबरू हुए। मीडिया से रूबरू होते हुए उन्होंने बताया कि रामगंगापथ तटबंध और स्लैटर हाउस उनकी प्राथमिकता रहेगी। वहीं उन्होंने टूटी सड़कों की बदहाल स्थिति पर सीएम योगी को आड़े हाथ लिया। उन्होंने कहा कि भाजपा ने सरकार बनाते ही घोषणा की थी कि पूरे प्रदेश की सड़कें गड्ढा मुक्त होंगी, लेकिन आज तक पूरा प्रदेश गड्ढों में ही है, एक भी सड़क नहीं बनी। चुनाव कार्यालय के शुभारंभ के बाद पुलिस ने हाजी रिजवान के कार्यालय पर भीड़ को देखते हुए कोविड प्रोटोकॉल को तोड़ने पर सख्ती दिखाई और भीड़ कम करने की हिदायत दी। किस सिलसिले में रखी, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले आप लोगों के माध्यम से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव और प्रदेश प्रभारी आदरणीय प्रियंका गांधी जी का, कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा और एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी से नवाजा है। और इस प्रदेश की सभी मेरी माँ और बहनों की तरफ से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा अपनी नेता आदरणीय प्रियंका गांधी जी का, कि उन्होंने अपने उस वादे को निभाया जो उन्होंने कुछ टाइम पहले किया था कि 40% महिलाओं को टिकटों में आरक्षण देंगे। ये बात सीधे सीधे प्रूव करती है कि हम अपने वादों पर पूरी तरह से खड़े उतरते हैं, जो कहते हैं वो करते हैं। दूसरी पार्टियों की तरह झूठे और फरेबों में जनता को नहीं उलझाते। मुरादाबाद में समय से जो सूखा पड़ा था कांग्रेस को उचित नहीं थी यहाँ से, तो इस बार क्या समझ रहे हैं आप इस चीज को? इस बार आपकी इस बात से ही जवाब मिल जाता, कहीं ना कहीं आपके दिल में ये महसूस आपने किया कि इस बार जो सूखा पड़ा हुआ था 30-32 साल से, इंशाल्लाह अब के हम मुरादाबाद जिले से कई सीटें जीतने जा रहे हैं। शहर विधानसभा में एक समस्या ये है कि हाथे की समस्या है, एक तबका अल्पसंख्यक समाज है जो काफ़ी अर्थों से यहाँ पे हाथा नहीं बना, लोग बहुत परेशान हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, NGT का आदेश था, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जो भारत सरकार की एक संस्था है, उसका एक आदेश हुआ था 2012 में, जब दो हज़ार बारह में सपा की सरकार हुआ करती, उस टाइम पे ये आदेश हुआ था कि जो पुराने बुचड़खाने हैं, पुराने स्लॉटर हाउस हैं, उनको सबको बंद करके और उनको नए मॉडर्न स्लॉटर हाउस में बदला जाए। और साथ में ये भी आदेश था, अगर आप वो आदेश की कॉपी निकालें, कि जब तक नए स्लॉटर हाउस नहीं बनते हैं उन लोगों को वैकल्पिक व्यवस्था दी जाए। तो मैं ये कहना चाहूँगा आप लोगों के माध्यम से कि स्लॉटर हाउस तो बंद कर दिए गए, मगर ना तो उनकी कोई वैकल्पिक व्यवस्था की गई, ना ही दोबारा से जो NGT का आदेश था कि जो मॉडर्न स्लॉटर हाउस बनने थे वो नहीं बनाए गए।